पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर ब्लैक डे मना रहे हैं। आज ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों के ऊपर काले झंडे लगाए हैं और अपने अपने जिले में डीएम को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाने हेतु ज्ञापन दिया है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर भी राष्ट्रीय ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन और दूसरी कई संस्थाओं के पदाधिकारी इकट्ठा हुए और ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर धरना दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने आज गाड़ियों को बंद नहीं किया बल्कि गाड़ियों पर काले झंडे लगाए और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, ट्रांसपोर्टर्स ने आज 28 जून 2021 को ब्लैक डे मनाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। हमारी ऑल इंडिया ने जो पूरी इंडिया में मीटिंग करी 26 तारीख को, उसमें यही किया भी पहले एक बार सरकार को हम जिता दें भी अपनी धरना काला मना के दिवस को, तो उसके बाद अगर नहीं मानी तो हम लोग सब स्ट्राइक पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यापार ही घाटे में है। जब घाटे में हम वैसे ही खड़ी कर रहे हैं गाड़ियाँ, 40% 50% गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो एक तरफ से माल मिलता है एक तरफ से नहीं मिलता, तो डीजल का भाव है और कुछ हमारी जो बहुत ये ट्रक ना चलने से हम लोग खड़े कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही दोषी हैं। जब कोरोना का दौर चल रहा था, सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर गाड़ी वाला ड्राइवर ही ऐसी कड़ी थी जो सामान इधर से उधर, आवश्यक सामान इधर से उधर पहुंचाने में सक्षम था। सब लोग अपने घर में खौफ में बैठे थे इस कोरोना महामारी से, कईयों की जानें चली गई, हमारे भी कई साथी हैं उनकी भी जानें चली गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट सरकार ने कोरोना में कोरोना वैरियर बनने का एक ये तोहफा दिया, सीधे के सीधे डीजल के दाम डबल कर दिए। कि सभी ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर गाड़ी चलाएंगे ताकि सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो और बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ हद तक राहत मिल सके। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।